नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। पिछले एक दशक में भारतीय टीम ने बहुत से इतिहास रचे। इस दौरान बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को नंबर वन टीम बनने में अहम भूमिका निभाया। इनमें से कई ऐसे खिलाड़ी हुए जिनमें से कुछ तो घरेलू मैदान पर तो कुछ विदेशी मैदान पर हिट हुए और कुछ फ्लॉप। आज हम आपको ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो विदेशी धरती पर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। घरेलू मैदान में तो यह दहाड़ मारते हैं, लेकिन जब विदेशी जमीन पर पहुंचते हैं तो फुसी बम बन जाते हैं। उनका प्रदर्शन अगर देखा जाए तो विदेशी दौरों पर हमेशा ही निराशाजनक रहा है। इन पांचों खिलाड़ियों ने भारतीय फैंस को हमेशा ही निराश किया है। इंडिया फ्लॉप बैट्समैन ओवरसीज रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई इतिहास रचने वाले रोहित शर्मा सिर्फ घर के ही शेर है। अगर मैदान विदेशी हो तो वो हर बार फ्लॉप हो जाते हैं। हाल ही में हुए दक्षिण अफ्रीका में हुए मैच में तो ऐसी नौबत आ गई कि टीम को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उन्हें क्यों न टीम से बाहर रख दिया जाए। क्रिकेट फैन ने तो रोहित को टीम इंडिया पर बोझ तक बता दिया। हार्दिक पांड्या। धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हार्दिक सिर्फ घरेलू मैदान पर ही धमाकेदार है। जब रन बनाने की बात आती है तो घरेलू मैदान पर तेजी के साथ एक बड़ा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब विदेशी धरती हो तो वो धमाकेदार विकेट अपना गवा देते हैं। कई बार तो वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाते। महेंद्र सिंह धोनी। धोनी में धोनी का औसत 54.00 है, जिसमें एक शतक शामिल है। महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जो टेस्ट मैच में 8 बार विदेशी धरती पर शून्य पर आउट हो चुके हैं, जो कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा निराशाजनक है। वर्ल्ड कप 2011 जीतने के बाद उनकी बल्लेबाजी में वो धार नहीं रही जो T20 2007 के वर्ल्ड कप में थी। माही एक जंग खाई तलवार की तरह विदेशी दौर पर बेजान साबित हुए। अजिंक्य रहाणे। एक समय था जब रहाणे विदेशी पिचों के महारथी कहलाते थे। उनका हमेशा ही प्रदर्शन शानदार रहता है, लेकिन अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने भारतीय फैंस को निराशा के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। रहाणे ने अब तक विदेश पिचों पर 53.44 की औसत से रन बनाए हैं, और अगर घरेलू क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने 34.44 औसत से रन बनाए हैं। यह प्रदर्शन उन्होंने 43 टेस्ट मैचों में किया है, जो खुद में एक शानदार प्रदर्शन है, लेकिन एकाएक उनका औसत इतनी नीचे आ गया कि दर्शक यह देखकर हैरान है। पिछले साल रहाणे का प्रदर्शन देश में ही खराब रहा है। इस साल दक्षिण अफ्रीका में रहाणे वापसी करते हुए देखे जरूर गए थे। देखना होगा कि यह साल अजिंक्य रहाणे का कैसा जाता है। रविंद्र जडेजा। एक ऐसा ऑलराउंडर जो भारतीय सरजमीन पर चीते की चाल और बाज की नज़र जैसी निगाहें बनाए रखते हैं। आप सबको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि जडेजा विदेशी सरजमीन पर हमेशा भारतीय क्रिकेट टीम को और उन पर भरोसा करने वाले लाखों फैंस को हमेशा निराश कर देते हैं। उनका यह प्रदर्शन साल 2015 में भी देखने को मिला, जब उन्होंने 12 मैचों में अपना हाईएस्ट स्कोर 32 रन बनाया। उनका इकोनॉमी रेट 16.21 रहा। जडेजा ने भारतीय क्रिकेट टीम को अपने खराब प्रदर्शन की वजह से हार की ओर कई बार धकेला। अभी तक 35 टेस्ट में जडेजा के नाम बस 1176 रन ही हैं। इनमें से आधे से अधिक टेस्ट इन्होंने भारत में खेले हैं। अब देखना होगा कि साल 2018 के अंदर के इंडियन बल्लेबाज विदेश में कैसा प्रदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि इस साल इंडियन टीम के अधिकतर दौरे भारत के बाहर ही होने वाले हैं।